अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हक पाकिस्तान के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान, तलहा उस्मान के साथ। मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे खवातीन सब्ज़ी बेच रही हैं। इन्होंने बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है और अगर ये कहा जाए गलत नहीं होगा कि खवातीन ही खवातीन की मददगार हैं। ये मार्केट से भी सस्ती रेट में यहाँ सब्ज़ी सेल कर रही हैं। अगर आप अपने इलाके में किसी भी बाज़ार से सब्ज़ी लेते हैं तो यहाँ के नस्बत सब्ज़ी आपको बहुत सस्ती मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताएं कि ये ख्याल कैसे आया कि आपने, एक तो खवातीन यहाँ पर सेल कर रही हैं, ऊपर से खवातीन यहाँ पर आके लेके जा रहे हैं और सिर्फ इस इलाके से नहीं बल्कि दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए और वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा साथ दे रहे हैं। तो जहाँ तक बात है सब्ज़ी लगाने की, आपको पता है इतनी महंगाई है, फिर हमसे किचन नहीं पूरा होता। मैंने सोचा कि क्यों ना, अब मेरा पहले 200 में किचन चल जाता था सब्ज़ी वगैरह, अब मेरा 500 में भी बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। तो मैंने कहा कि क्यों ना कि ऐसा कुछ काम किया जाए जिससे खवातीन को भी रिलीफ मिले और हमारे मर्द भी ज़रा सुकून में आए। तो मैंने सोचा क्यों ना कि सब्ज़ी का स्टॉल लगाया जाए। फिर मैंने सब्ज़ी का स्टॉल लगाया सफ़ेद पोश लोगों के लिए, जो किसी से मांगते नहीं हैं, किसी को बोलते नहीं हैं। तो ये आपके सामने है, माशाल्लाह इतनी रश होता है कि शाम तक मेरे पास सब्ज़ी नहीं होती। मुल्क में ऐसा होता है कि जहाँ रमज़ान आने लगते हैं वहाँ पर चीज़ें महंगी हो जाती हैं, 2 गुना 3 गुना बढ़ जाते हैं, लेकिन आपने लोगों को रिलीफ देने की कोशिश करी है, एक खिदमत करने की कोशिश करी है। तो इसके अलावा भी आपने मजीद कोई काम किया है या ये पहला आपका कदम? नहीं, ये मेरा पहला नहीं है, मेरी सराकी वुमेन एसोसिएशन है, मैं उसकी चेयरपर्सन हूँ। तो मैंने सिलाब में भी काम किया है, बकराईद पे भी काम किया है मैंने, उन लोगों को जो बकराईद नहीं करते, जो लोगों को नहीं बता पाते। आपको पता है ये हर घर की कहानी है, सफ़ेद पोश लोगों की खास तौर पे, बेचारे वो किसी को बताते नहीं, रिश्तेदारों में भी नहीं एक दूसरे को पता होता, क्योंकि बताएंगे तो इज्जत खराब होगी, कैसे बताएं हम नहीं कर रहे बकराईद। लेकिन मैं ऐसे लोगों को ढूंढती हूँ, पूछती हूँ। अब मोबाइल देखे मेरा भरा हुआ है, लोग कुरंगी से आ रहे, ऐसे नहीं आ रहे को लोग, और थैले भर भर के ले जा रहे, 1000 में बड़े बड़े बोरे भर के ले जा रहे, 500 में सब्ज़ी इतनी आ जाती है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि सेम टू सेम रेट है, मंडी के रेट हैं। अब इंशाल्लाह ताला मैंने अपील की थी रमज़ान में भी, मुझे सस्ता फ्रूट लगाने का है कि लोग जो है सुकून से रोज़े रखें। एक हमारे भाई ने मेरी हेल्प की है वो फ्रूटे के लिए, कि मेरी तरफ से आप फ्रूट लगाएं और ऐसे ही लगाएं कि सफ़ेद पोश लोग सुकून से रोज़े रखें। बहन मुझे बताएं लाल मिर्च कितने की दे रहे हैं? लाल मिर्च हम 80 रुपये किलो दे रहे हैं। मार्केट में कितने की? मार्केट में कम से कम 100 रुपये की, 80 रुपये की पाव मिलती है या 60 रुपये की पाव मिलती है। 80 रुपये पाव बाजारों में मिलती है और आप यहाँ पे 60 रुपये 80 रुपये किलो किलो दे रहे हैं। सफ़ेद पोश की इज्जत नफ्स को मजरू किए बगैर ये एक स्टॉल लगा हुआ। अगर आप देखें पीछे जो खरीदार हैं वो 1 किलो या 2 किलो नहीं लेके जा रहे, बल्कि वो 5 किलो, जितनी उनकी हैसियत है, जितनी उनकी ताकत है, वो उतना लेके जा रहे हैं। और सिर्फ ये इस एरिए से नहीं आ रहे, बल्कि अगर कहा जाए तो कुरंगी औरंगी कराची के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। और ये मुझे बताएं कि लोग जब आते हैं तो वो क्या कह के जा रहे हैं कि कितना फ़र्क है आपके प्राइस में? बहुत फर्क है, और डिफेंस से ऑर्डर आ रहे हैं, ऑनलाइन ऑर्डर भी हैं, डिफेंस वाले भी हैं जी, ऑनलाइन ऑर्डर मुझसे मंगवा रहे हैं, ऑनलाइन जा रहे हैं। ऑनलाइन मैं अपने पैसे मोबाइल में मंगवा लेती हूँ, वो बाइकिया वालों को खुद ही दे देते हैं। आप देखेंगे उनको इतनी फ़र्क लगता होगा ना कि भेजते हैं, कोई ऐसे पागल तो नहीं है कि ऐसे ऑनलाइन मुझसे मंगवा रहे हैं, बहुत खुश हो के जा रहे हैं। अभी भी कल जो एक खातून है मुझसे 6000 की सब्ज़ी परचेज करके गई हैं, एकदम से सारी गाड़ी भरवा के गई हैं। आज भी 3-4 हज़ार की, मतलब 10-10 किलो प्याज ले रहे, काले का औरत आई मुझे कहने लगी मुझे पूरा कट्टा दे दो। मैंने कहा मेरे पास इतनी नहीं है, फिर जो मेरे बाकी गाहक आएंगे उसको मैं क्या दूंगी? आपको एक दिन पहले ऑर्डर लिखवाना होगा, क्योंकि मेरे इतनी ज़्यादा वसायल तो नहीं है कि मैं ज़्यादा ले आती हूँ, ज़्यादा मकदार पर मैं उतनी ले आती हूँ जितनी मेरे पास मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, मतलब ये चीज़ें। तो अच्छी चीज़ का हर इंसान को दिल करता है ना, उनका भी हक है, वो भी खुदा की मखलूक हैं, उनके लिए भी इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। मैं क्या, अगर मुझे नहीं सपोर्ट करना चाहते नहीं करें, लेकिन अपने आप मदद के, लेकिन इतनी किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के लिए कौन निकलता है? मैं 4 बजे खुद मंडी जाती हूँ, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा भी घर बार है, लेकिन क्या है कि एक कदम उठाया है कि मुझे देख के और लोग भी इससे सबक हासिल करें, सीखें कि इस तरह के लोगों की ऐसे मदद करनी चाहिए। किसी को सब्ज़ी लेनी हो तो वो कहाँ पर आए, और अगर घर बैठ के मंगानी हो तो किस तरह? ऑनलाइन मेरा पेज है सरे की वुमेन का, वहाँ पे मेरा नंबर भी है और एक मैंने ग्रुप भी बनाया हुआ है सब्ज़ी का, जहाँ वो लोग मुझे मैसेज करते हैं मैं उस ग्रुप में ऐड कर देती हूँ। सुबह वो लिस्ट में जारी कर देती हूँ, जिसने जो मंगवाना होता है वो मुझे ऑर्डर कर देते हैं, ऑनलाइन के पैसे वो खुद वो मेरे पास भेज देते हैं और बाइकिया के पैसे वहीं वो उनको अदा कर देते हैं। अभी आप कहाँ पर?
अबुल हसन अस्फानी रोड है मेन, और इसी के बस ये पार्क है सामने, और पीछे साफी कलोनी है, और यहाँ पे बस ये सामने ही सड़क पे स्टॉल लगा हुआ है। ये एक बाहिम्मत खातून है जिन्होंने एक सब्जी का स्टॉल लगाया है, और सुबह 4 बजे ये खुद जाकर सब्जी मंडी से सामान लेकर आती हैं। और आप कब तक यहाँ पर बैठी होती हैं? 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक ये यहाँ पर मौजूद होती हैं। और अगर इनके पास आप देखें पीछे जो काम करने वाली, वो भी खवातीन हैं, जब इनसे लोग मांगने के लिए आते हैं तो ये उनको ऑफ़र करती हैं कि आप मांगना छोड़ें, मेरे पास आ जाएं, मैं आपको 500 रुपये पर डे दूंगी। जो काम करना चाहते हैं वो उनके पास आ जाते हैं, जो हलाल रिस्क कमाना चाहते हैं वो उनके साथ काम में इनको इनके साथ हाथ बटाते हैं, और जो नहीं करना चाहते वो अपना रास्ता पकड़ लेते हैं। मैं लाजमी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आप आएँ अपनी फैमिली के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, या वो सफ़ेद पोश असरात जो कि इस महंगाई के दौर में जंग लड़ रहे हैं लोगों से इस महंगाई से, तो वो यहाँ पर आके एक सस्ती तरीन सब्जी को ले सकते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अबुल हसन लसपानी रोड पर, और पीछे साबरी पार्क है, साबरी पार्क के भी कुछ साथ उन्होंने लगाया हुआ है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। इसी के साथ अपने मेज़बान तला उस्मान को दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए हक पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।